उन्होंने आ रहा, तो चंदा भाई गेहूँ साफ कर रहे थे, गेहूँ साफ करते ना ऐसे, गेहूँ साफ कर रहे, तो नीचे से बरनी जी वगैरह तीन चार ब्रह्मचारी लोग, बरनी लोग माने जो आठवीं प्रतिमा धारी थे, वो नीचे से निकले, तो नीचे से आवाज़ लगाई, भाई जी क्या कर रही हो, मंदिर का टाइम हो गया ना 3 बजे दोपहर में, देव बंदन के लिए जाते थे दोपहर में, स्वाध्याय के लिए जाते थे, तो उन्होंने पूछा भाई जी क्या कर रही हो, बोले स्वाध्याय कर रही। तो सब लोगों ने सोचा कि अपन चार लोग तो हैं ही, तो मंदिर में नहीं बैठेंगे, तो इनके घर पे ही बैठ के स्वाध्याय कर लेंगे, तो वो सब आ गए ऊपर, देखा तो वो तो गेहूँ साफ कर रहे थे। तो बोले आप झूठ बोलते हो, हमसे मजाक करते हो, आप स्वाध्याय कहाँ कर रहे हो? बोले भैया वहाँ पढ़ने को तुम स्वाध्याय समझते हो, हम आचरण पालना, जीव की हिंसा नहीं हो जाए, गेहूँ में जीव ना होए, उसका जो सावधानी रखते हैं इसको स्वाध्याय करते। पॉइंट पकड़ में आया? आप 24 घंटे में कितनी देर स्वाध्याय कर सकते हो बोलो, अब बोलो जरा, पूछ रहा हूँ लक्षणा से कि साहब 2-1 घंटे कर सकते हैं, 4 घंटा कर सकते हैं, लेकिन अब जी ऐसा क्वेश्चन का आंसर इसलिए आता है कि हम एक नंबर से सोचते हैं, एक नंबर की स्वाध्याय 24 घंटे नहीं हो सकती, लेकिन तीसरे नंबर की स्वाध्याय 24 घंटे हो सकती है। यदि आपको लगता है कि मुझे जीव की हिंसा नहीं करनी है, तो सपने में भी ऐसा ही आएगा, मैं जीव को नहीं मारूंगा, स्वप्न में भी जीव नहीं मारना, मारने की वृत्ति प्रवृत्ति नहीं होना, ये स्वाध्याय हो गई। आप छना पानी पीते हो ना, तो स्वप्न में भी छना ही पानी पियोगे, 24 घंटे की स्वाध्याय हो गई। हाँ सी मजी का बाग, हाँ भाई हाँ 6 साल के थे, हाँ बहुत बढ़िया। माँ जी ने कहा हाँ कि जरा साग संवार दे मुझे जरा, हाँ साग दूधी बराबर, रोने लगा, रोने लगे, माँ ने समझा, मैंने काम बताया तो रोने लगा, काम बताया तो रोने लगा, फिर माँ जी को कहा कि माँ मैं इसलिए नहीं रो रहा। सच्ची बात, माँ आपको पता है आप सामायिक प्रतिक्रमण करती है, तो मेरा ये सामायिक प्रतिक्रमण होता है, मैं क्या कर रहा हूँ? बराबर, ये केंद्रीय दूधी है ना, मैं इसको चलाता हूँ तो मुझे ऐसा लगता कोई मेरी स्किन पे चला है, तो बताओ सब्जी सवारते सवारते श्रीमत जी 6 वर्ष की उम्र में और रो पड़े, काहे के लिए? ये स्वाध्याय है, समझ। इसलिए मैंने क्यों बताया कंपेरेटिव करके कि अभी अपने को जब भी मैं कहूँ स्वाध्याय, हाँ सब करते बड़े गर्व के साथ करते, तो आचार्य देव तो कहते तू अहंकार करता है, स्वाध्याय नहीं करतो, तू अहंकार करता है। कंपेरेटिव करो बराबर, तो फिर 3-4 नंबर से 8 नंबर समझ, तो वहाँ सम्यक हो जाएगा, सच्ची स्वाध्याय हो जाएगी, बाकी तो आप समझ ही गए सारा। यहाँ अभेद करके कहते हैं, वहाँ भेद करके कहते हैं, बस बात पूरी हो गई। अब तो बराबर है, चलूँ आगे? हाँ अच्छा, इनको चलो ये और बता ही दूँ, 78 और 87 थोड़ा सा विषय से हाल हटकर है, लेकिन बता देते हैं आपको। चलो, परमार्थ हेतु थी, क्या लिखा है इसमें? जिन मार्ग ते परमार्थ थी रे, इसी का अर्थ, जिन मार्ग, जिनेन्द्र देव का मार्ग, भगवान बनने का मार्ग, दुख दूर करने का मार्ग, जिन मार्ग बराबर है ते परमार्थ थी रे, वो तो परमार्थ से है। कैसे? इसी में देखो, इनका कहना है 87 78 समझा दो, 7 8 8 7 एक ही बात है, 7 8 8 7 बराबर, समझने की बात है। मैंने बच्चों के सामने एक दृष्टांत दिया था, एक छिलका रहित केला, एक छिलका में केला, 8 नंबर बिना छिलका का केला, ना सॉरी छिलका सहित केला, और 7 नंबर बिना छिलका का केला, 7 नंबर माने सिद्ध भगवान, 100% शुद्ध पर्याय 7 नंबर, और 8 नंबर दूध में छिपा हुआ घी, बताया था दर्शन, दूध में छिपा हुआ घी 8 नंबर और प्रगट घी 7 नंबर, 100% प्रगट घी, 100% साक्षात प्रगट घी 7 नंबर और 8 नंबर दूध में छिपा हुआ घी, पक्का?
ऐसे देह में छिपा हुआ सिद्ध ये सात ना आठ नंबर और वो प्रगट सिद्ध ये आठ नंबर सात नंबर हो। बिल्कुल सही पकड़ते हो आप लोग, ऐसे ही पकड़ना चाहिए बिल्कुल। चलू आगे चलो, 78 समझ में आया। सेवन नंबर ये व्यक्त है, एट नंबर अव्यक्त है। एट नंबर इसको मैं एटीएम नाम सुना है, एटीएम एटीएम नाम सुना है, क्या होता है एटीएम? एनी टाइम मनी। मैं थोड़ा ऑल टाइम कह देता हूँ, बात एक ही है, ऑल टाइम मनी एटीएम। आठ नंबर एटीए है, ऑल टाइम अवेलेबल। एटीएम समझ में, एटीएम माने ऑल टाइम अवेलेबल। ओ तारा परमेश्वर, तारा परमेश्वर तारा को सम्यक दर्शन दर्शन देने के लिए ऑलवेज ऑल टाइम। मिथ्या दर्शन ऐसा है, मिथ्या दर्शन ऐसा है कि एटीए खड़ा हुआ है वो देख ही नहीं रहा, भगवान ऑल टाइम खड़ा है और अनुभव नहीं कर रहा, इसका नाम मिथ्या दर्शन। ए तमें परमेश्वर नथी ये नहीं कह रही, तुम अपने को परमेश्वर देखते नहीं हो बस। अच्छा पॉइंट पकड़ो, थोड़ा पॉइंट पकड़ो। एटीएम है और अपन हाथ जोड़े, भैया रुपया दे दे, रुपया दे दे। अभी कितने इंच की दीवार है वो, मिलीमीटर, मिली इंच क्या कहलाता, जो भी तुम्हारा कितने मिलीमीटर की होगी वो स्टील का कैबिनेट, और वहाँ नोट ही नोट रखे हैं लाखों करोड़ों रुपया, और ये हाथ फैला रहा है, झोली फैला रहा है ऐसे, दे 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 दे, देख दे दे, दे रहा है कि नहीं दे रहा, दे। तो तू चाहे मार तो तेरा हाथ टूटे और पुलिस अरेस्ट करे सो अलग, पुलिस अरेस्ट करे तेरे को बियाल, तुम हाथ मत जोड़ माने शुभ भाव मत कर, और उसको ठोक मत माने अशुभ भाव मत कर। डोंट डिमांड शुभ भाव, डोंट रिक्वेस्ट। एटीएम में जाके कोई रिक्वेस्ट नहीं करता, हे लक्ष्मी मैया कोई नहीं बोलता। तू शुभ भाव भी मत कर, अशुभ भाव भी मत कर, उसमें पनिशमेंट है, वो पुलिस पकड़ ले जाएगी, वो खड़ा रहता है चौकीदार वहां पर, और नहीं तो वो रिकॉर्डर सीसी सीसी कैमरा क्लोज सर्किट। आगे चलो, तू अपना एटीएम निकाल और लगा और रुपया हाथ में जाता है। सम्यक दर्शन चाहिए, तू अपना पर्याय रूपी उपयोग रूपी एटीएम को टच लगा, सम्यक दर्शन हाथ में आ गया। इतना इतना सरल, माने क्या गजब है, अनंत सुख अनंत ज्ञान का खजाना भरा पड़ा, और तू जो काम करना चाहिए वो नहीं करे। जब भी देखो तो भगवान एक बार सम्यक दर्शन हो जाए, हीन दीन भये प्रभुपद जपे भाग, पुण्य का थोड़ा पुण्य की धूल मिल जाती है, पैसा मिल जाता है, छोकरा छोकरी मिल जाता है, वहां भगवान सब आपके चरणों की कृपा है। गधा भगवान के चरणों की कृपा है, भगवान को बदनाम करता है? भगवान के चरणों की के प्रसाद से दुकान नहीं चलती, पहले कह दिया मैंने एक दिन, भगवान के चरणों के प्रसाद से तेरा संसार उजड़ता है, तू बदनाम करता है भगवान को? बहुत गजब बात है भैया, समझनी पड़ेगी थोड़ी हिम्मत, हिम्मत इसीलिए लोगों को हिम्मत नहीं पड़ती, लोगों को वहां तक भगवान अच्छे लगते हैं जहां तक पैसा आए, लेकिन आपको खबर नहीं है पैसा चार दिन आएगा फिर तू नरक निगोद में क्या धक्के खाएगा अनंत काल, और एक बार भगवान बन गया तो अनंत काल, एक समय की कमाई को अनंत काल खाए, ऐसी गजब बात। जिन वर कहे छे ज्ञान आने ज्ञान कहे छे, मूड मारक सांभड़ो, मूड मारक, समझ में आया? अब तो कठिन नहीं लग रहा, मैंने बहुत चीज घटा दी, अब आपको घटाना है। हम कहेंगे भैया भोजन करो, लगा भोजन करो का अर्थ कहाँ से कहाँ लगाओगे, झट एक ही नंबर, दो नंबर में भी लगाओ, तीन नंबर में भी लगाओ, तब आपको चलते फिरते खाते पीते सम्यक दर्शन होगा। दिगंबर मुनि भगवंतों के बारे में लिखा है, आहार लेते लेते असंख्यात बार शुद्ध उपयोग का अमृत पी लेते हैं। अमृतचंद स्वामी ने लिखा है नित्य अमृत भोजी, क्या लिखा है? नित्य अमृत भोजी, नित्य। पंडित साहब ने मेरे से पूछा रात को
खा सकते हैं कि नहीं? जैनी लोग रात को खा सकते कि नहीं? मेरे से पूछा भरी सभा में कि सुमत, जैनी लोग रात्रि को कुछ खा सकते कि नहीं? दिगंबर मुनि रात्रि में कुछ खा सकते कि नहीं? ऐसी कोई चीज बताओ जो रात को खा सके और पाप ना लगे। तो अपना है तो अपनी तो ताकत। तब उन्होंने पढ़ के बताया, देखो नित्य अमृत भोजी, रात में भी खाते हैं, रात में भी पीते हैं, नित्य अमृत, नित्य अमृत का भोजन करते हैं। हा हा हा, तेरी दृष्टि एक नंबर पे है, इसलिए तेरे को उत्तर ही समझ में नहीं आएगा। अब आपको श्रीमद जी की विचक्षणता समझ में आती है? विचक्षणता इसी के बल पर थी। वो सुई गडांग सूत्र है ना, जिसकी चर्चा हुई आठवें अधिकार की मिथ्या दृष्टि की क्रिया सफल है ना, और सम्यक दृष्टि की क्रिया अफल है। तो सारे साधुओं में एक मत थे, उस जमाने के साधुओं में एक मत थे कि ये बात गलती से लिखा गई, ये बात गलती से लिखा गई, ऐसा हो ही नहीं सकता। सम्यक दृष्टि की क्रिया सफल है और मिथ्या दृष्टि की क्रिया अफल है, सब इस पर सहमत थे। तो जब उनके पास आए और पूछा कि साहब हमको लगता है कि इसमें फेरफार संशोधन होना चाहिए, संशोधन, तो उन्होंने कहा भैया तू जिन वाणी में संशोधन मत कर, अपनी मति में संशोधन कर, इसमें बदलने की जरूरत नहीं है। मिथ्या दृष्टि करता है उसको सफल है, माने फल सही है, उसे चार गति का फल होता है, इसलिए मिथ्या दृष्टि की क्रिया सफल है। और सम्यक दृष्टि खाता है, पीता है, सोता है, कमाता है, युद्ध करता है, वो अफल है, उसके फल में उसे चार गति नहीं होती, क्योंकि उसे दृष्टि का विषय मिल गया है, इसलिए भगवान बनने वाला है। और ये सारे लोग विस्मित हो गए, ओहो क्या कमाल कर दिया आपने, पॉइंट पकड़ में आया? अब बोलो लक्षणा शैली समझ गए तो आप कितना बड़ा काम हो गया, इस समझो इसको, ठीक है? अब तो चलूँ आगे। तो 78 का मतलब समझ में आया, सात नंबर में जो पर्याय प्रकट हुई, आठ नंबर में वो अव्यक्त थी, दूध में जो घी आठ नंबर में था, सात नंबर में वो घी निकल कर आ गया। एक क्वेश्चन पूछूं, यूनिट टेस्ट, हमारे घर में घी बिल्कुल नहीं है, लेकिन 10 लीटर दूध है तो घी है कि नहीं? बोलो। अब बस ये ज्ञानी का कमाल है, श्रीमद जी जैसा। उन्होंने कह रहा है घी की कमी नहीं है, मेरे पास 10 लीटर दूध है ना, तो अब भी एक लीटर घी, अब भी। ऐसे ही जिसको आठ नंबर इस देह में छिपा हुआ भगवान दिख रहा है, उसे मोक्ष की कमी नहीं दिखती। अच्छे मोक्ष, अच्छे हूं नित्य बेदू छू मोक्ष ने सुन की दू हूं मोक्ष ने नित्य बेदू छे। अब पढ़ना आप पत्रांक, अब पत्रांक पढ़ना आपको समझ में आएगा कि कहां से बोलते होंगे वो। अपन तो अभी चिट्ठी ऐसी लिख ही नहीं पाते, आप लिख सकते हो ऐसी चिट्ठी, हूँ नित्य परमात्मा ने बेदू छू, हूँ नित्य, बोलो मुक्ति ने बेदू छू, अपन लिख सके? अपन तो लिखने में डर लगेगा, हाथ ही कांपेगा, धूजेगा, हाँ कोई क्या समझेगा, अपने आप को बड़ा ओवर स्मार्ट समझ रहे हैं। ओवर स्मार्ट नहीं समझना, इट इज मास्टर की दे छता जैनी दशा। क्यों लिखी ये बात? मुझे सच कह रहा हूँ, ये कल का पीरियड पढ़ा के बहुत खुशी हो रही है, मैं बहुत जल्दी समझा पा रहा हूँ एक एक बात, इसलिए मैं ये मास्टर की जरूर पढ़ाना चाहता था, लेकिन पढ़ा ही दी, अब तो कोई बात ही नहीं, बहुत जिंदगी भर काम आएगी। मैं तो समझता हूँ इस चार्ट को रखना हमेशा, और एक लाइन पढ़ो तो इसमें से देखते जाना। आज चिट्ठी में लिखोगे आप लोग, हाथ नॉन डायरी में लिखोगे, आज मने खरेखर मुक्त भगवान देखाय छे। कौन कौन को नहीं दिख रहा अभी भी बोलो तो फिर दिखाऊं। अभी भी नहीं दिख रहा, दिख रहा है, वेरी गुड, एक ने तो बोला, ताकत आई। अरे बोल, अब वो एक दूसरे क्यों देख रहे, खरेखर देखो ने। तेरे को दिख रहा है? दिख रहा है, दो को दिखा और बोला, तीन को दिख रहा है, बस अब नहीं चाहिए। अच्छा दूध में घी है कि नहीं, पढ़ के सुनाओ आप क्या कह रहे हो।
जिसके पास अभी वचनामृत है तो वो खोल के देख सकते हैं। 314 पेज नंबर, 314 पेज नंबर देखो, और 322 पत्रांक। बहुत बढ़िया। बंधु मोक्ष की यथार्थ व्यवस्था। वाह वाह, वही पन्ना वही होगा आपका भी। हाँ देखता हूँ, हिंदी है ना आपके। हाँ हाँ, 322 ठीक है, और पेज नंबर है 314। बराबर, कोई बात, कोई हिंदी बात। में मिल गया, इसमें देखो। हाँ, बंध मोक्ष की यथार्थ व्यवस्था नीचे से चौथा पांचवा पैराग्राफ है। मिल गया। जे दर्शन ने विषय यथार्थपणे कहेवामां आवी छे ते दर्शन निकट मुक्तपणानुं कारण छे, अने ए यथार्थ व्यवस्था कहेवाने जोग जो कोई अमे विशेष मानता होइए तो ते तीर्थंकर देव छे। और आगे, अने ए जे तीर्थंकर देवनो अंतर आशय ते प्राय मुख्यपणे अत्यारे कोईने विषय आ क्षेत्र होय तो ते अमे होईशुं। એમ અમને દ્રઢ કરીને ભાષે છે, બોલો, કારણ કે અમારું અનુભવ જ્ઞાન તેનું ફળ વિતરાગપણું છે, દેખો કા, અને વિતરાગનું કહેલું જે શ્રુત જ્ઞાન તે પણ તે જ પરિણામનું કારણ લાગે છે, માટે અમે તેના ફોલોઅર્સ છીએ, સચ્ચી મે ફોલોઅર્સ। લે આગે પકડ મે, અબ પડોગે તો કિતના મજા આયેગા। અભી આપને ક્યા લગતા થા, યે ચમત્કાર હૈ શ્રીમદ જી કા, ચમત્કાર હૈ શ્રીમદ જી કો પ્રગટ હુઆ, અપને કો નહીં હો સકતા, ऐसा नहीं है। श्रीमद जी को इसके बल पर प्रकट हुआ, बीतराग बचनामृत परम शांत रस मूल औषध छे भव रोग ना कायर ने। अपने कायर कौन कौन है, हाथ खड़ा करो, हाथ तो खड़े करो, कायर कौन कौन है। हाँ बहुत बढ़िया, अच्छा। अरे ऐसे क्या कहे, जब आपको बहुत मिलेगा। देखो आगे ऊपर भी लिखा है, हमें जो निर्विकल्प नाम की समाधि है, इसी के ठीक ऊपर, हमें जो निर्विकल नाम की समाधि है वह तो आत्मा की स्वरूप परिणति रहने के कारण है, स्वरूप परिणति रहने के कारण है, आठ नंबर के कारण है, आठ नंबर में एटीएम कार्ड लगाने के कारण है। आत्मा के स्वरूप संबंधी तो हमें प्रायः निर्विकल्पता ही रहना संभव। लो 324 ही पढ़ेंगे, बहुत अच्छा। हाँ, 324 में नीचे। हाँ, सम्यक दर्शन का मुख्य लक्षण वितरागता जानता हूँ और ऐसा अनुभव। कितना स्पष्ट, बोलो। अब आपको आनंद आएगा, इन पत्रांकों का आनंद अब आएगा आपको। मुझे सही में ऐसी इच्छा होती है, जब जब भी मैं इन पत्रांकों को सुनता हूँ लोगों से और उनका अर्थ नहीं निकाल पाते, तब ऐसा दुख लगता है कि वास्तव में इतना निकट आकर के भी जीव संसार सागर में डूबा रह गया। मन कल्पना से इसके अर्थ नहीं निकलेंगे भैया, इस स्कैनर से इसके अर्थ निकलेंगे। आपको आपको भी दम आ जाएगी, दम है कि नहीं, पहले फिर से बोलो, आह छे कि नहीं, तमें छो के नहीं, आठ नंबर शुद्ध पर्याय में कि अशुद्ध पर्याय में, अशुद्ध पर्याय इस पर क्या असर कर सकती है, ध्रुव पर। ओहो आज मेरे को चिंतामणि रतन पाया, चिंतामणि रतन है भगवान आत्मा, ध्रुव 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 ऐसा, बराबर। चलूं अब तो सात नंबर आठ नंबर समझ में आया, आठ नंबर देखोगे तो सात नंबर प्रकट होगा 87, और सात नंबर है वो व्यक्त है, आठ नंबर अव्यक्त है, बराबर। बच्चों के सामने जो दृष्टांत दिया था वो काम पूरा हो गया। सिद्ध भगवान में और मेरे में कितना अंतर है, कितना अंतर है, अरंत सिद्ध भगवान में मेरे में क्या अंतर है, कि वो छिला केला है और मैं छिलके सहित केला हूँ, लेकिन लेकिन बोलो, एक को छिला हुआ केला परोस हूँ और दूसरों को मैं साबुत परोस दूँ छिलका सहित। आपको कभी ऐसा लगता है मेरे साथ पक्षपात हुआ है, आपको नहीं लगता, क्या फर्क पड़ा, इनको बिना छिलका का दिया, मेरे को छिलका सहित दिया, लेकिन दिल मिला तो केले पर दृष्टि देखते से ही सम्यक दर्शन हो गया। तो सिद्ध भगवान और मेरे में कोई अंतर, वो छिले केला है
मजा नहीं आता आपको? हाँ, क्या गजब है। प्रश्न पूछोगे? बोलो। हाँ, नहीं हो सकता, ये लीडर है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, सिट डाउन, बहुत सुंदर। क्वेश्चन का जवाब दे देता हूँ, पर अब आज ये नहीं चल पाया आप ना, इसके चक्कर में यही चला। कोई बात नहीं, लेकिन ये समझ में आ गया तो आप तो पढ़ के आओगे। अब अभी आपको एक वो कौन सा पार्ट पढ़ाया था, जिनवर कहे छे, उसको भी इसी में लगा के आना और इसको भी इसी में लगा के लाना, बराबर। टाइम पूरा होगा इसलिए मैं इसी आपकी चर्चा करता हूँ। मुझे दो बात कहनी है। इनका प्रश्न की साइकोलॉजी समझो। इनका कहना है जब आठ नंबर पहले बताओ, सात नंबर बाद में कर दो, तो व्यक्त, अव्यक्त और फिर व्यक्त। लेकिन दिक्कत क्या है, ये समझाने की शैली है। समझाने की शैली कितनी स्थूलता से चल रही थी, नंबर एक से। वहाँ से यदि हम आठ नंबर को पहले नंबर पर रख दें तो आठ नंबर किसी को खबर ही नहीं पड़ेगी। हम आत्मा आत्मा कहते रहेंगे, कोई समझेगा नहीं। तो हम कहेंगे तू मंदिर जा, स्वाध्याय कर, शास्त्र बांच, गुरु की संगति कर, तुझे सब एक नंबर का उपदेश। एक नंबर में आने पर उसे कहा भैया यहाँ कुछ नहीं होगा, तू चर्या कर देह की, तो देह की चर्या करने लगा नंबर टू। तो अभी भी उसको आनंद तो नहीं आया, देह की क्रिया करने में मजा तो आता नहीं कुछ। तो उसने कहा मुझे तो मजा नहीं आया। तो सुन, क्रियाओं में मजा नहीं है, तू भगवान आत्मा ये जान, जान उसका स्वरूप समझ। तू जानेगा ना कि मैं भगवान आत्मा हूं, तब तुझे मजा आएगा। जैसे मैं एक बात कहूं, अमावस की रात हो, अमावस की रात, और मैं आपसे कहूं कि यहां 10 किलोमीटर नंगे पांव चलना है आपको, पश्चिम दिशा में नंगे पांव चलना है, आप जाओगे? नहीं जाओगे। एक भिखारी हो, भिखारी, उससे कहो तेरे को आज की रात 10 करोड़ रुपए का खजाना मिलेगा, 10 किलोमीटर तेरे को नंगे पग जाना है अमावस की रात में, बिना टॉर्च के जाना है। सही बताना, उसे कितना मजा आ रहा है जाने में। 10 करोड़ का जिसे लक्ष्य है, वो उछलता उछलता हंसते हंसते जाएगा, कांटे चुभेंगे तो भी मुस्कुराएगा, गिरेगा तो भी उठ के चल पड़ेगा, रुकेगा नहीं, अटकेगा नहीं। ये दृष्टान्त। ऐसे ही भैया, क्रियाकांड में तुझे तब तक आनंद नहीं आ सकता, त्याग संयम बैराग में तुझे तब तक आनंद नहीं आ सकता जब तक तुझे सात नंबर आठ नंबर की खबर नहीं। जिसको मालूम पड़ जाए कि आनंद सुख मिलने वाला है, आनंद काल का सुख मिलने वाला है सात नंबर, और किसके आश्रय से सुख मिलने वाला है कि आठ नंबर, ओ तो मैं भगवान आत्मा हूँ ये आठ नंबर, ये खबर पड़ गई तो तीन नंबर में मजा आने लगा, देह की क्रियाओं में मजा आने लगा। पॉइंट नोट करो, देह की क्रिया से मजा नहीं, देह की क्रिया के काल में ध्रुव का मजा। यहाँ के पॉइंट से बोलो जरा, 38 तीन नंबर, दो नंबर 28 दो नंबर की क्रिया के काल में आठ नंबर का मजा, इसलिए तीन, तो 283 कोड नंबर क्या बना? कोड नंबर बन गया 283 क्यों? दो नंबर में आठ नंबर को जाना, तो दो नंबर की क्रियाओं में मजा उत्पन्न हुआ, वो तीन नंबर 283 पॉइंट पकड़े। अरे आप चाहो ना तो वीडियो गेम खेलो दिन भर बैठ के, इतना मजा है, इतने कोड बन रहे हैं, बहुत कोड आएंगे इसमें। ये तो मेरा अभी टाइम नहीं, मैं बहुत मजे लेता हूँ इसके, बहुत मजे लेता हूँ। मेरे से तो कोई बोल दे साल भर यही पढ़ते रहो पढ़ाते रहो, कोई ग्रंथ मत उठाना। हाँ बराबर है, हाँ बराबर, बिल्कुल दृष्टि का विषय। इसीलिए पहले तो ये समझा दिया कि यहाँ से सरकाते सरकाते आठ नंबर तक लाएंगे, बराबर। अब दूसरा उत्तर दे रहा हूँ आपका कि आठ नंबर को राजा कहा जाता है, राजा कहा जाता है, और सात नंबर उसके अनुचर हैं, राजा नहीं। सात नंबर साक्षात मोक्ष पण अनुचर छ, अनुचर तो समझते हो, पॉइंट पकड़ में। सिद्ध भगवान भी शरणार्थी हैं, सिद्ध भगवान पण अनुचर, अनुचर सेवक, सेवन करने वाले आठ नंबर के सेवक हैं, और ये सेव्य है, सेव्य शरण दाता है आठ नंबर,
राजा है, नयों का राजा है आठ नंबर। थोड़ा समझाऊं क्या? देखो एक चपरासी हुई नहीं गेट पे, और कोई मिलने आया, अभी हमको साहेब से मिलना है, कि नहीं नहीं अभी आराम का समय आप जाइए, भगा दे। लेकिन अंदर कोई उसका बड़ा अकाउंटेंट ऑफिसर कुछ, यहाँ बैठते हैं ऑफिस में कोई बैठता है मान मैनेजर, तो उसे बोला नहीं नहीं इनको आने दो, साहेब से ज़रूरी काम है इनको। तो फिर वो चौकीदार मना कर सकता है? क्योंकि उसका बड़ा ऑफिसर कह रहे हैं नहीं आने दो। तो अब आया, अब जिम्मेदारी कौन की होगी? बड़े ऑफिसर की। तो बड़े ऑफिसर ने भी मना कर दिया कि नहीं नहीं अभी नहीं मिल सकते। तो उससे बड़ा ऑफिसर कहे तो वो मना नहीं कर सकता। मने ऊपर वाला नीचे वाले को मना कर सकता है, लेकिन नीचे वाला ऊपर वाले को मना नहीं कर सकता। ऐसे सातों प्रकार के नयों को आठ नंबर मना कर सकता है, इसकी दृष्टि नहीं करना। क्या बोला क्या बोला? आठ नंबर वाला राजा कहता है साक्षात शुद्ध निश्चय नहीं की दृष्टि, आई कैन रिफ्यूज, आई कैन डिनाई, डोंट सी देयर। सात नंबर की ओर मत देखना, आठ नंबर की बात को कोई नहीं काट सकता। सात नंबर वाला भी आठ का नेगेटिव नहीं कर सकता। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? कितनी बड़ी बात कह रहा हूं। ये सातों के सातों रिफ्यूजल रिफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन आठ को कोई भी मना नहीं कर सकता। इसका नाम है राजा। कौन है राजा? आठ नंबर है। अरन सिद्ध भगवान भी मेरा इनकार नहीं कर सकते। श्रेणी जब होती है तो आठ से ही होती है। बिल्कुल, सम्यक दर्शन आठ नंबर से, श्रेणी मानते आठ नंबर से, केवल ज्ञान होता है आठ नंबर से, माने सम्यक दर्शन से लगाकर सिद्ध भगवान तक मेरी ओर आते हैं। वैसे तो मजा की बात है, आठ वर्ष ही केवल ज्ञान होता है। हाँ, पॉइंट पकड़ में आया कि नहीं आया? माने अपनी महिमा आई कि नहीं? आठ नंबर माने अपनी महिमा है। आहा, अभी तो अपन डोले डोले फिरते थे, सम्यक दर्शन होए तो कोई बात है भिखारी? तमे भगवान छो के भिखारी छो? उन्होंने लिखा है ना सहजानंद जी ने, बना भिखारी निपट अजान। अजान माने मात्र भगवान को नहीं जानकर मात्र भिखारी बन गया। आप मजा आई? आठ नंबर हूँ, राजा हूँ। एक अंतिम बात कह करके छुट्टी करता हूँ ना, टाइम हो गया अपना। क्या दे रहे? हाँ बुलाएंगे आठ नंबर इधर। अच्छा अच्छा, हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, समझ गया। आठ नंबर समझ में आ गया सबको? अभी थोड़ी देर बाद पूछूंगा तारीख। हाँ नंबर देते थे, ठीक बात है। इनका कहना समझ में आया आपको कि देखो थोड़ा विचार करना, बहुत मजेदार बात बता रहे हैं साहेब। देखो यदि मैं एक नंबर की तारीफ करूं तो तुम्हें मोटा पा जाए, मैं कहूं आप करोड़ रुपया वाले हो, करोड़ रुपए के स्वामी हो, तो आपको एकदम मोटा पा जाए। और मैं अभी बोलूं भैया आठ नंबर कौन कौन है इधर आओ, तो ऐसा लगता है हम तो आठ नंबर नहीं, हम तो एक करोड़ रुपया वाले हैं। तो अरे आठ नंबर पर लगने चाहिए, हाँ हूँ छू। और हम कहें भैया करोड़पति कौन कौन है, हाथ खड़ा करो, हम तो है ही नहीं, हम दौड़ गए करोड़पति। तो ये तो मैंने खुलासा कर दिया। इनका कहने का मतलब ये है कि मजा तो जब आए हम करोड़पति अरबपति बोले और कोई हाथ खड़ा नहीं करे, और हम बोले कि आठ नंबर, हाँ बराबर है। अब अंतिम पढ़ाई करें आज की। शास्त्र की भाषा में सात नंबर को कार्य परमात्मा कहते हैं और आठ नंबर को कारण परमात्मा कहते हैं, बराबर है? सबको पता है सात नंबर माने अरण सिद्ध भगवान को कार्य 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 पूर्ण थई गयो तो कार्य परमात्मा कहते हैं, और आठ नंबर को कारण परमात्मा कहते हैं। अंतिम सम्यक दर्शन की स्टाइल है, यदि आप चाहो तो सम्यक दर्शन ले लेना आप। हैं? हाँ दे दे, ठीक है, रेडी? अभी अभी समझे जरा, व्यवहार से कह रहे हैं लेना है तो मैं बताता हूँ।
क्योंकि आज के बाद कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाना चाहिए, इसलिए मैं अंतिम बात करता हूँ, कार्य परमात्मा और कारण परमात्मा। देखो शाम का टाइम है और जैनी लोग रात को नहीं खाते, बनाते भी नहीं और खाते भी नहीं। अभी सारा भोजन पूरा कंप्लीट हो गया, सब लोग खा पी चुके, रोटी के टिफिन में रोटी नहीं, सब्जी नहीं, कुछ नहीं। इतने में ही पीहर से भैया आया, पीहर से भैया, ससुराल से देवर नहीं, थोड़ा फर्क पड़ता है थोड़ा सा। भैया आया तो घर में रोटी है कि नहीं, रोटी है कि नहीं, सब्जी है कि नहीं, डब्बे में तो एक भी रोटी नहीं है, हाँ आटे में। वाह, इसका मतलब बहन ने भैया से बोला, भैया भोजन कर लो, और बच्चा देख ही रहा था कुछ है नहीं, बच्चा देख रहा था कुछ नहीं बचा, बच्चे ने कहा था मम्मी एक रोटी और चाहिए, मम्मी बोली बेटा डब्बा तो खा लिया अब खत्म। तो भैया से क्या बोल रही है, मामा से क्या कह रही है, भैया बैठो रोटी खाओ, तो मम्मी रोटी तो है ही नहीं, आप क्यों कह रहे हो भैया से मामा से कि रोटी खाओ, कि बेटा मैं कहूँगी भैया अभी आया ही ना, तो वो आते से थाली पर नहीं बैठेगा, वो यदि आया है तो थोड़ा हाथ पैर धोएगा, फ्रेश होगा, स्नान करेगा, इतने में 5 मिनट लगेंगे, और मेरे पास रोटी का कारण रखा है लोट, सब्जी रखी है फ्रिज में रखी है, कारण कारण कारण, बेटा रोटियों की कोई कमी नहीं है। अभी मैं फिर पूछ रहा हूँ, टिफिन में रोटी कितनी है, रोटियों की कमी कितनी है, रोटियों की कमी कितनी है, बिल्कुल नहीं, रोटी कितनी है, बिल्कुल नहीं, रोटियों की कमी कितनी है, कुछ अंतर समझ में आ रहा है कुछ। ये है दृष्टि का कमाल, हमें जहाँ कारण दिखाई देता वहाँ कार्य की कमी नहीं दिखती, ऐसे जिन्हें 8 नंबर दिखता उन्हें सम्यक दर्शन की कमी दिखाई नहीं देती। फिर से बोलूं, हमें 8 नंबर दिखता है जो शुद्ध भी नहीं होता, अशुद्ध भी नहीं होता, ऑल टाइम अवेलेबल, आँख ऊँचू, सम्यक दर्शन नहीं चाहिए, जा कोई कमी नहीं सम्यक दर्शन की, मेरे पास सम्यक दर्शन की कमी नहीं, मेरे पास मोक्ष की कमी नहीं है, जा नहीं चाहिए, यदि कोई चाहिए नहीं चाहिए, हाँ लिखा है कुछ, हाँ जे जैने मोक्ष सिवाय कोई पर्ण वस्तु नो इच्छा 680 इसमें, अच्छा पत्रांग पत्रांग, हाँ पत्रांग। बढ़िया, बहुत अब मजे करोगे आप, बहुत मजे करोगे आज, हाँ। जिसको मोक्ष सिवाय किसी भी वस्तु की इच्छा या स्प्रहा नहीं थी और अखंड स्वरूप में रमणता होने से, वाह, मोक्ष की इच्छा भी, हाथ नौ लिख लेना सब, लेकिन आज के बाद लगना नहीं चाहिए अभी ये अपन तो कुछ नहीं, अपन तो गरीब आत्मा है, अपने पास तो कुछ नहीं, अरे कुछ, तू तो भंडारी है, भंडारी अनंत गुणों का गोदाम है, प्रभु है, कुबेर है। आज के बाद दीनता नहीं आनी चाहिए, तो समझ लो आपने श्रीमद जी का आश्रम बना लिया, आज सही में घी निकल आया, सही में आज पैसे वसूल हो गए, क्या गजब है, कितनी अच्छी भाषा पढ़ता हूँ, हाँ मैं पढ़ रहा हूँ, जिसकी मोक्ष के, फिर से पढ़ता हूँ, मिला, जिसकी मोक्ष के, जिसको जिसकी मोक्ष के सिवाय किसी भी वस्तु की इच्छा या स्प्रहा नहीं थी, बराबर, और अखंड स्वरूप मैंने 8 नंबर में रमणता होने से मोक्ष की इच्छा मैंने 7 नंबर की इच्छा भी निवृत्त हो गई, उसे हे नाथ, श्रीमद जी की भाषा देखो, हे नाथ, उसे हे नाथ, तू तुष्टमान होकर भी और क्या देने वाला था, संतुष्ट होने पर और क्या देने वाला था, हे कृपालु तेरे अभेद स्वरूप में ही मेरा 8 नंबर में ही मेरा निवास है, वहां अब तो लेने देने की भी
झंझट से छूट गए हैं और यही हमारा तीसरे चौथे नंबर का परमानंद चौथा नंबर भविष्य में हो जाएगा, तीसरा नंबर तो हो गया बराबर। बाकी और पढ़ना बहुत जोरदार है, बोलो भैया आप अपना अपना कौन सा नंबर रख रहे हो है? तीन चार आठ, तीन में से कौन एक नंबर सेलेक्ट करना है आपको, बोलो क्या चाहिए? हाँ आठ चाहिए सबको, ले